नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दोस्तों राज एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव एक और दोस्तों बता दें कि बेहतरीन मैच के साथ जैसे हमने कल के दो मैच करे थे जिम्मा लीग के साथ दोस्तों देखेंगे कि आज फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव बस कुछ ही देर में दोस्तों ये मैच शुरू होने वाला है मगर पहले दोस्तों आप लोगों को इस मैच की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं दोस्तों जिम्मा प्रीमियर लीग का ये चौदहवा मुकाबला है टी टेन मुकाबला एक तरफ दोस्तों पार्थिव पटेल भारतीय टीम के दोस्तों भारतीय टीम के यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस के भी यहाँ पर खिलाड़ी रह चुके हैं पार्थिक पटेल टाउन के कप्तान है और दूसरी तरफ दो, दो, दोस्तों अगर मैं बात करूँ हरारे हेरिकेन्स के कप्तान यहाँ पर यॉन मॉर्गन और उसी के साथ दोस्तों दोनों टीमों के बीच यहाँ पर जो कि हमें आज मैच देखने को मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों दोनों टीमों के लिए यहाँ पर ये जीत बहुत ही पर महत्वपूर्ण है देखेंगे दोस्तों इस मैच को यहाँ पर कौन सी टीम जीतती है दोस्तों कौन सी टीम इस मैच में बाची मारती है जिस तरह से यहाँ पर कैप्टाउन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कैप्टाउन ने अगर पिछले पांच मुकाबले के अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो यहाँ पर जो कि पिछले रिकॉर्ड में आपको बता दें दोस्तों तो यहाँ पर जो कि पार्थिक पटेल के यहाँ पर जो कि निगरानी में ये टीम ने पिछले पांच में से चार मुकाबले जीते हैं

हेरी कैंस पता नहीं कैसे इस मैच को जीत जाएगी अगर मैं पिछले मैच की अगर यहाँ पर दो कि लिस्ट उठा के देखूँ हिस्ट्री उठा के देखूँ दोस्तों दोस्त तो 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 में पता चलेगा कि हरारेरी कैंस ने मात्र 109 रन बनाए थे निर्धारित 60 गेंदों में उसके बाद दोस्तों हरारे हेरी कैंस के जो यहाँ पर गेंदबाज है उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एक रन को डिफेंड कर दिया था और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि एक बार फिर से इस मैच में यहाँ माम के साथ लाइव आ चुके हैं मगर आपको बता दें आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि पार्थिव पटेल जो भारतीय टीम के कप्तान है रह चुके हैं दोस्तों एक वहाँ पर दो तीन मैचों के लिए रह चुके हैं मगर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आईपीएल में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर कप्तानी करी है वो, वो मुंबई इंडियंस की वो भी रोहित शर्मा के निगरानी में और इसी के साथ अगर मैं दोस्तों अगर दोनों टीमों की अगर टॉस की बात कर लेते हैं तो एक बार फिर से दोस्तों योर मॉर्गन ने अगर पिछले पांच मुकाबले अगर उठा के देखें यूर मॉर्गन के अगर टॉस के नजरिए से तो योर मॉर्गन ने टॉस के नजरिए से दोस्तों यहाँ पर पांच में से यहाँ पर पांचों पर टॉस हार चुके हैं और इसी के साथ में दोस्तों देखना चाहेंगे कि कैप्टाउन की स्नैप आर्मी ने यहाँ पर टॉस जीत कर पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि एक बार फिर से हरारे हेरिकेंस इस मैच को यहाँ पर जो कि पर बैटिंग करते हुए हमें दिख सकती है और जब तक दोस्तों इस मैच को यहाँ पर शुरू होता है तब तक दोस्तों हमें तो को फॉलो कर लीजिएगा अगर कोई भी सवाल हो दोस्तों आप तो हमें कमेंट में, हमें कमेंट जरूर और इसी के साथ दोस्तों पिछले मुकाबला हुआ था दोस्तों वो हम आपके साथ नहीं कर पाए थे थोड़ी सी दोस्तों लेट हो गया था और जिसके कारण ये मुकाबला हमें आपके साथ नहीं कर पाए थे मगर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पिछले मैच की जब तक इस मैच की प्लेइंग एलेवन आपके सामने नजर आएगी तब तक दोस्तों इस मैच की जो वहाँ पर पिछले मैच हो चुका है इसमें से यहाँ पर जो की अगर मैं बात करता हूँ डर्मन कैलेंडर्स की टीम इस मैच को हार गई थी और उसी के साथ में देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से जीता जाएगा और डर्मन कैलेंडर्स के और यहाँ पर डर्मन कैलेंडर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तरफ दोस्तों डर्मन कैलेंडर्स के यहाँ पर कैलेंडर्स थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर जोरावर के दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ यहाँ पर बेहतरीन पाकिस्तान के ऑलराउंडर थे और यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ की एक बार फिर से हम दोस्तों यहाँ पर जो कि एक कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही खराब कप्तानी यहाँ पर होती हुई और दोस्तों मात्र एक सौ बाईस रन यहाँ पर साठ बॉलों में नहीं चेस कर पाए और दोस्तों एक अच्छी शुरुआत करी थी यहाँ पर जो कि विकेट भी निकाले थे अगर अनचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी के साथ में लाहौर का ने यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर हारा हुआ मैच जीत लिया है और इसी के साथ अगर मैं टेबल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अगर मैं टेबल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पॉइंस टेबल में सबसे नीचे हमें जोरावर की टीम मिलेगी मोहम्मद हफीज़ की देखें अगर मोहम्मद हफीज़ के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो मोहम्मद हफीज़ को आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से दोस्तों पाकिस्तान की टीम में आपने देखा ज़रूर होगा मगर देखेंगे दोस्तों किस तरह से वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल करते थे और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज़ हैं दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पर गेंदबाजी भी करते हैं मगर कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आज देखेंगे वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बॉलिंग बॉलिंग करते हैं मगर कोशिश यही रही दोस्तों कि वो एक अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से दोस्तों अपनी टीम को फिनिश करते मगर वो अपनी टीम को फिनिश नहीं कर पाए एक, कप, एक कप्तानी नॉक की यहाँ पर आवश्यकता थी मगर दोस्तों कह सकते थे कि यहाँ पर कप्तानी नॉक हमें नहीं देखने को मिला और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि कैप्टान हेरिकेन्स कैप्टानस हैरिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखा जाएगा दोस्तों कि किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है इसी के साथ मैं अगर स्कोर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो so, स्कोर दोस्तों हाथ से अभी कुछ ही देर में देख देखने को मिल सकता है आज आने वाले गाड़ी है वो दोस्तों कौन से लेंगे और इसी के साथ में अगर प्लेइंग इलेवन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो प्लेइंग इलेवन दोस्तों अभी तक हमें नजर नहीं आई है दोनों टीमों की और देखेंगे कि दोस्तों इस मैच को कितनी जल्दी यहाँ पर और शुरू कर दिया जाता है और इसी के साथ देखेंगे कि यहाँ जो के खिलाड़ियों से अगर मैं बात करता हूँ तो खिलाड़ी यहाँ पर कुछ ही देर में आपके सामने से लिए देखेंगे मगर तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि इस मैच में कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि कप्तान की जो आदमी है दोस्तों की आदमी तो जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पर बेहतरीन गेंद वाफी करनी होगी अगर हरारे की टीम के दोस्तों अगर हरारे टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारे टीम के पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बहुत ही अच्छे किस्म के बल्लेबाज हैं इस मैच का रुख दोस्तों आसानी से यहाँ पर जो कि पलट सकते हैं तो कोशिश यही रहेगी अगर तो मैं बात करता हूँ दोस्तों कोशिश यही रहेगी मगर देखा जाएगा किस तरह से दोस्तों इस पर टीम को दोस्तों आगे के लिए लेकर जाता है यहाँ पर कैप्टाउन की टीम ने दोस्तों यहाँ पर जो कि टॉस जीत कर पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और इसी के साथ में देखेंगे दोस्तों की मैच यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ता है और देखा जाएगा दोस्तों कि ये मैच किस तरह बढ़ता है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हम रुकेंगे थोड़ी सी ब्रेक के लिए दोस्तों वहाँ पर थोड़ी सी जो यहाँ पे अपडेट है वो हम लेकर आएंगे मगर उससे पहले दोस्तों आप कहाँ कहाँ से इस मैच को देख रहे हैं कहाँ कहाँ से दोस्तों अपना नाम जरूर कमेंट में हमें बता दीजिए और देखेंगे दोस्तों आप कितने दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और अगर दोस्तों अगर कोई भी सवाल आप लोगों का हो दोस्तों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कहाँ से इस मैच को देख रहे हैं किस कैसा लुक ले रहे हैं इस मैच का और इसी के साथ दोस्तों रुकेंगे हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद और आपके साथ फिर से दोस्तों हम जुड़ेंगे कोशिश करने के जुड़ने की नमस्कार देवी और सोचो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा नाम हिराज जी एक बार फिर से दोस्तों आ चुके हैं आपके साथ लाइव मैच करने के लिए एक तरफ है दोस्तों कैप्टान की तो दूसरी तरफ है दोस्तों यहाँ पर हरारे यहाँ पर कैप्टान की अगर कप्तान की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर के कप्तान जो है पर भारतीय टीम के दोस्तों पूर्व खिलाड़ी यहाँ पर पार्थिक पटेल अगर दोस्तों हरारे टीम के यहाँ पर कप्तान की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हरारे की टीम के यहाँ पर कप्तान है दोस्तों यहाँ पर योन मॉर्ग इंग्लैंड टीम का दोस्तों यहाँ पर पूर्व कप्तान रह चुके और इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोस्तों थोड़ी सी माफी चाहते हैं क्योंकि मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है थोड़ी देरी के साथ हम आपके साथ लाइव आ पाए हैं मगर माफी करना दोस्तों और डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर लाइव पर उसके बाद दोस्तों आपके साथ बातचीत करेंगे बीच मैच में और देखेंगे दोस्तों इसी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है इस लाइव मैच में और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पहले ही ओवर में दो विकेट हमें देखने को मिले और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शुरुआत करी गई सेंड्रल कॉटरल के द्वारा और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सेंड्रल कॉटरल ने यहाँ पर बिल्कुल दो गेंद यहाँ पर करी हैं दोनों गेंद को दोस्तों स्विंग करके अंदर के लेकर आए पहले दोस्तों हमें देखने को मिला यहाँ पर भारतीय टीम का दोस्तों यहाँ पर पूर्व पर खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ये देखने को मिला है यहाँ पर जो कि वेस्ट इंडीज के यहाँ माफी चाहूंगा जिम्बाबे के दोस्तों युवा खिलाड़ी चक्रवा चक्रवा दोस्तों पर गेंद स्विंग करी थी और पर जो कि के भी गेंद को लेकर ही अंदर के लिए आए थे और इसी के साथ में पहले ही ओवर में दोस्तों दो विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं जो दबाव बन चुका है फ्यूला यहाँ पर हेरी के लिए अगर देखा जाए दोस्तों कि किस तरह से इस मैच की शुरुआत होगी और दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है इसी के साथ में मुझे वो रन रह तैयार है एक अफवानी खिलाड़ी यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत करी है अपना पहला ओवर लेकर चलते हुए मुजीब रहमान है यहाँ पर रीमन लुइस के लिए अगर दोनों बल्ले अगर, तो अगर बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो एक यहाँ इंडीज से यहाँ पर बिलोंग करते हैं अगर दूसरे बल्लेबाज की अगर मैं बात करता हूँ डेविन फेरारियो की अगर डेविन फेरारियो दोस्तों यहाँ पर जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते हैं और यहाँ पर डेविन फेरारियो को दोस्तों हमने अगर मैं आपको बताऊँ काफी लंबे समय से दोस्तों डेविन फेरारियो को हमने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए देखा है साउथ अफ्रीका के दोस्तों यहाँ पर जो की साउथ अफ्रीका में मिनी आईपीएल होता है तो दोस्तों उसमें भी हमने देख खेलते हुए इन्हें देखा है श्रीलंका पे मेरे लीग में भी दोस्तों इनको हमने खेलते हुए देखा है तो कोशिश यही रहेगी यहाँ पर क्योंकि डेविन फेडार्यू की और इवन लुइस की दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है तो कोशिश ये कर सकते हैं दोनों बल्लेबाज यहाँ से यहाँ पर दे। जो पावर प्ले है उसका पहले फायदा उठाया जाए अगर यहाँ से अगर कोई विकेट गिरता है तो दोस्तों लगातार यहाँ से कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो यहाँ पर दोस्तों इस पारी को संभाल पाए क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ हरारे हैरी के कप्तान की मतलब यून मॉर्गन की तो यून मॉर्गन पिछले पांच मुकाबले में मात्र तीस रन बनाकर खेल रहे हैं और उन्होंने तीस रन बनाए हैं वो भी दोस्तों एक मैच में नहीं किसी में मैच में यहाँ पर सात रन पहले मैच में दोस्तों सात रन बनाए थे दूसरे मैच में उन्होंने यहाँ से तेरह रन उसके बाद लगातार दोस्तों दस के अंदर में यहाँ पर आउट होते गए तो यहाँ पर बिल्कुल जोरानी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर रन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तीस या अट्ठाईस रन बनाए हैं निर्धारित यहाँ पर पाँच मैचों में अगर मैं बात करता हूँ योर मॉर्गन की तो योर मॉर्गन यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर जो कि अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी हरा हरारे हेरिकैंस को अगर इस मैच को जीतना है या कैप्टाउन यहाँ पर कैप्टाउन की इस ने में को यहाँ पर इस मैच में हराना है तो देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से ये मैच को आगे के लिए लेकर जाते हैं और हरारे हेरिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारे हेरिकन्स दो बोलों में दो बॉलों में दोस्तों दो रन बनाकर कर यहाँ पर दो विकेट के नुकसान पर यहाँ पर दो रन हुए हैं तो खाता खुल चुका है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का इसी के साथ में मुजीबुर रहमान तैयार हैं वल लुइस के लिए चौथी बॉल लाने के लिए और देखेंगे कि चौथी बॉल को किस तरह से खेलने की कोशिश करी जाएगी मेरे हिसाब से दोस्तों इस ओवर में बड़ा शॉट आ सकता है के बल्ले से क्योंकि बता दें कि पर दो गेंदों का सामना कर चाहूंगा तीन गेंदों का सामना कर चुके हैं तो तीन गेंदों में दोस्तों अभी तक दो ही रन देखने को मिले और दो रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा हरारे का तीन पर दो विकेट के नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं क्या इवन लुईस इसी समय में रहमान तैयार है यहाँ पर डेविन फरारियो ने कदमों का इस्तेमाल करा है दोस्तों उठा के गेंद को खेला है गेंद जारी ऑन के ऊपर से बेहतरीन चौका देखने को मिला और इस चौके की आवश्यकता थी ये चौका बहुत इंपॉर्टेंट था डेविन फैलैंडो ने बिल्कुल दोस्तों क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा और कदमों को यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को करा दोस्तों गलती यहाँ पर रही ये रही मुजीब रहमान की कि मुजीब रहमान ने दोस्तों चौथी बॉल पर जिस गेंद पर चौका पड़ा उस पर दोस्तों फ्लाइटेड गेंद करने की कोशिश करी दोस्तों एक और विकेट निकालने की कोशिश करी और जिसके कारण यहाँ पर चौका पड़ा यहाँ पर जो कि ललचाया गया था दोस्तों बल्लेबाज को और यहाँ पर बल्लेबाज ने क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर टिपारी को खेला है और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर सत्तर पर सात पर बिना किसी नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों खेलते हुए अगर मैं बात करता हूँ इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ पर दो ओवर की समाप्ति के बाद सात रन हो चुका है और देखेंगे दोस्तों किस तरह से करी जाती है अगर हरारे हेरिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारे हेरिकेंस यहाँ से कुछ खास योगदान नहीं दे सकती अगर उसके हिसाब से अगर मैं देख जो देखने की कोशिश करी जाएगी मगर हरारे हेरी केल्स के अगर पिछले मुकाबले के अगर मैं रिकॉर्ड्स उठा के देख लूँ तो पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर रॉबिन ओथप्पा ने तीस रन बनाए थे दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो तीस रन थे और रूवन लुइस ने यहाँ पर अच्छी तरीके से दोस्तों एक साझेदारी करी थी और इसी के साथ में दोस्तों को देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से मैच को आगे के लिए बढ़ाया जाता है और इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है दो ओवर की समाप्ति पर सात रन दो विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ में देखेंगे कि दोस्तों जोरावर की टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो जोरावर की टीम दोस्तों लगातार इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर मैं आपको बागर बागर मैं बताऊँ दोस्तों मगर देखना होगा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी को यहाँ पर इस्तेमाल करा जा सकता है कोई कोशिश यही कर सकते हैं दोस्तों कोशिश यहाँ पर हो सकती है दोस्तों कि ये यह, कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा सकता है और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से यहाँ पर जो बल्लेबाजी को यहाँ पर कोशिश करी जाएगी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ पर विकेट गिरता है दोस्तों अगर यहाँ पर एक और विकेट अगर गिरता है दोस्तों वो किसके यहाँ पर हो गया अगर किसके यहाँ पर इवन लुइस के बल्ले से अगर दोस्तों यहाँ पर अच्छे शॉट नहीं निकलते हैं अगर यहाँ पर दबाव बनता है ईवन लुइस के ऊपर तो कह सकते हैं दोस्तों कि थोड़ी सी जो दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बताऊँ कि स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों स्कोर बोर्ड आपके सामने अभी नजर आ जाएगा मगर धीरे धीरे दोस्तों स्कोर बोर्ड की जो दिक्कत है दोस्तों वो आपको समझ में आ रही है मगर आपको बता दें दोस्तों स्कोर बोर्ड को हम जल्दी से ही जल्दी दोस्तों यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश की जाएगी मगर देखा जाएगा दोस्तों किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से स्क्रीन की तो स्क्रीन दोस्तों आप लोग को जल्द से जल्द तब्दील कर दी जाएगी और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए तो दो की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर दो सात पर दोस्तों दो विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों पर दो विकेट के नुकसान पर और धीरे धीरे अगर देखना हो देखना होगा दोस्तों कि मैच किस तरह से आगे बढ़ता है अगर कोशिश यही करें अगर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर कोशिश करनी होगी अगर इस मैच को आसानी तरीके से जीतना है और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है ग्यारह पर तीन विकेट का नुकसान पर एक और विकेट हमें देखने को मिला है सेंट्रल कॉट रेल ने क्या बेहतरीन तरीके से तो दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए इस मैच का रुख ही पलट दिया है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करी जा रही है सेंट्रल क्वार्टरल के द्वारा बिल्कुल दोस्तों अपने बल्ले अपनी गेंदबाजी तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ बता दें कि धार धार यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को दोस्तों हाथ खोने का और देखना होगा दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों सेंट्रल क्वार्टर इस गेंद को इस यहाँ पर गेंदबाजी को दोस्तों अंजाम दिया जा रहा है अगर सेंट्रल क्वार्टरल की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंडरल कॉटरल दोस्तों वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर वेस्ट इंडीज में दोस्तों पाटा विकेट होता है तो पाटे विकेट में दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ गेंदबाजी करने में यहाँ पर जो कि गेंदबाजों को यहाँ पर सहायता मिलती है दोस्तों वही अपने यहाँ पर अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सेंडरल कॉटल और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने दूसरे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को आउट करा है मतलब आपको बता दूं कि सेंडल कॉट्रेल भी दोस्तों वेस्टइंडीज यहाँ पर खेलते हैं आप लोगों ने देखा होगा अगर वहीं इवाल लुइस की अगर मैं बात करता हूँ तो ईवाल लुइस भी दोस्तों वेस्ट इंडीज के यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाज हैं और धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल कॉट्रेल द्वारा और यहाँ पर जो कि कैप्टाउन के पार्मी के द्वारा जहाँ पर सिकंजा है दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुका है हरारे हेरिकेंस के के बल्लेबाजों ऊपर तो पर पर कह सकते हैं दोस्तों कि पर कि जो एक बिल्कुल यहाँ पर एक जाल बुनता हुआ दिख रहा है और इसी के साथ दोस्तों नए बैट्समैन का यहाँ पर आगमना हो चुका है यून मॉर्गन के रूप में मगर देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर यून मॉर्गन किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करने का देखने को मिलेगी अब कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि योर मोर्नकन को यहाँ पर एंड तक खेलना होगा अगर यहाँ पर कप्तान योर मोर्नगन का बल्ला चलता है दोस्तों तभी हरारे हेरिकेस इस मैच को आसानी से जीत पाएगी वरना दोस्तों हरारे हेरिकेन्स के लिए जीत यहाँ पर जीतना है दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्या बेहतरीन तरीके से तो दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपको बता दें कि अगर लगातार विकेट भी गिरते रहेंगे दोस्तों तो वहां पर वापसी नहीं हो पाएगी हेरिकेन्स की तो आपको रन भी बनाने होंगे और रन के साथ साथ दोस्तों आपको विकेट भी नहीं देना होगा और सिक्स रन में सेंडुल कौटल अपने ओवर की दूसरी ओवर की आखिरी बॉल लेकर तैयार है और आखिरी बॉल पर दोस्तों एक ही रन देखने को मिला वो भी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में यहाँ पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता तब तक आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा बारह पर तीन विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति मतलब सात गेने से यहाँ पर सात ओवर शेष बचे हैं और हरारी हेरिकेन्स के तीन ओवर की अगर मैं बात करता हूँ तो तीन ओवर के यहाँ पर टी मुकाबले में यहाँ पर जो पावर प्ले होता है दोस्तों वो छः ओवर का होता है और टी टे टेन मुकाबले में पावर प्ले तीन ओवर का होता है तो दोस्तों देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो कि पावर प्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो पावर प्ले में मात्र यहाँ पर बारह रन बने हैं और बारह रन के साथ तीन ओवर भी यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हो चुका है और फील्ड है वो खुल चुकी है और फील्ड के साथ यहाँ पर और पर कठिनाई हो सकती है दोस्तों हरारेरी कैंस के लिए और देखेंगे कि हरारे हेरी कैंस के जो बल्लेबाज हैं वो यहाँ पर जो कि किस तरह से इस दलदल से बाहर निकलते हैं या फिर दोस्तों दलदल में और यहाँ पर घुसते चले जाएंगे और इसी के साथ मैं आपको बता दू कि सनल कॉटल ने यहाँ पर बेहतरीन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पिछले में वहाँ पर से पहले दोस्तों सबसे पहला ओवर करने आए थे तो, तो, तो पहले ही ओवर में दोस्तों वहाँ पर दो विकेट निकाले थे सबसे पहला यहाँ पर विकेट था रॉबिन उथप्पा का और रॉबिन उथप्पा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा छत्तीस वर्षीय है और छत्तीस वर्षीय दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं मगर वो टी के लिए दोस्तों यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर रॉबिन उथप्पा मगर कोशिश करी जाए कि देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से खेलते हैं तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कलीम जन्नत आ चुके हैं यहाँ पर एक और अफगानी खिलाड़ी दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए और कलीम जन्नत की अगर मैं बात करता हूँ तो कलीम जन्नत ने लगातार जितनी टीमों ने दोस्तों जितनी टीमों ने यहाँ पर जो कि मिल के व्हाइट बॉल नहीं डाली है उतनी दोस्तों यहाँ पर कलीम जन्नत ने अकेले ही यहाँ पर व्हाइट बॉल डाली है और रन भी दोस्तों यहाँ पर कलीम जन्नत ने बहुत ज्यादा रन दिए हैं अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों दूसरी मैच के यहाँ पर इससे पहले दोस्तों दो मैच हो चुके थे यहाँ पर तो यह पांचवा मुकाबला है दोनों टीमों का अगर मैं तीसरे मुकाबले की अगर बात करता हूँ यहाँ पर अगर कैप्टाउन की टीम की अगर यहाँ पर तीसरा मुकाबला हो रहा था दोस्तों तो तीसरे मुकाबले में कलीम चंदन ने बारह बॉलों में दोस्तों छियालीस रन दिए थे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कलीम चंदन दोस्तों कितने ही महंगे साबित हो रहे हैं और यहाँ पर दिशा हिंद गेंदबाजी करते हैं उतनी यहाँ पर इनके पास स्पीड नहीं है तो स्पीड के साथ नहीं करते हैं दोस्तों रन अप लेकर आते हैं और सिंपल आर्म से दोस्तों अपने जो कि गेंद को रिलीज करते हैं और जिसके कारण दोस्तों बल्लेबाज़ को पढ़ने में आसानी होती है और आसानी से दोस्तों यहाँ पर शॉट को खेल सकता है और इसी के साथ में यहाँ पर बेहतरीन चौका देखने को मिला है यहाँ पर पहली बॉल पर दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से शुरुआत यहाँ पर स्वागत करा गया है इस चौके के साथ इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अठारह पर तीन विकेट के नुकसान पर डेविन फैरारियो ये बोल में दोस्तों दस रन बनाकर खेल रहे हैं उसी के साथ में अगर यून मॉर्कन की अगर मैं बात करता हूँ तो यून मॉर्कन

वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर मैं बता दूँ दोस्तों तो हरारे हेरी कैंस के पास अब यहाँ पर जो कि बैट्समैन नहीं यहाँ पर बचे हैं कि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इरफान पठान के पास एक मौका है इरफान पठान दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं मगर आपको बता दें कि उस इरफान पठान दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो हरारे हैरी को दोस्तों यहाँ पर मैच को दोस्तों यहाँ पर के इसी के साथ में यहाँ पर लगातार दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी के चलते टीम का स्कोर रोज का है बीस पर तीन विकेट का नुकसान पर अगर इस मैच को जीतना है तो यहाँ पर अच्छी तरीके से साझेदारी को यहाँ पर कायम रखना होगा दोनों दो बल्लेबाजों के द्वारा अगर मैं बात करता हूँ तो अगर डेविन फरारियो की तो डेविन फरारियो दोस्तों अभी युवा है छब्बीस हैं तो उनके सामने ये कंडीशन ज़्यादातर नहीं आई होगी अगर आई भी होगी दोस्तों तो यहाँ पर जो की युवा है दोस्तों यहाँ पर डेविन तो यह पर दो से तीन बार तीन से चार बार यहाँ उनके सामने ये कंडीशन आई होगी अगर मैं योन मॉर्गन की अगर मैं बात करता हूँ तो योन मॉर्गन का पता नहीं दोस्तों कितने लंबे समय से दोस्तों वो इंग्लैंड टीम के साथ जुड़े हैं अब तो दो जाकर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ली है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट से तो योन मॉर्गन के सामने काफी बार दोस्तों ये सिचुएशन आई होगी दोस्तों सिचुएशन से यहाँ पर बाहर निकले होंगे योन मॉर्गन तो एक बार फिर से दोस्तों अपने अनुभव का अपने कप्तानी का दोस्तों यहाँ पर औहदा के साथ यहाँ पर जो देखना कि देखना होगा किस तरह से उठाकर खेला है गेंद रही है यहाँ पर लेग की दिशा में आसानी से दो रन हमें देखने को मिलेगे और इसी दो रन के साथ टीम का, का है वाइस पर तीन विकेट के नुकसान पर अभी भी गेंद बची है कलीम जन्नत दस बॉलों में दोस्तों यहाँ से पांच बोलो में दोस्तों दस रन बनाकर खेल रहे हैं मतलब बारह की इकॉनमी से रन लुटाए जा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर, तो पर गति पकड़ लेगा दोस्तों पर हरारे हेरिकेंस की के अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों बल्लेबाज अगर लास्ट की छत्तीस बोले खेल गए तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि लास्ट की छत्तीस बोलों में यहाँ पर टीम का स्कोर अस्सी से नब्बे रन बन सकता है और वहां से मैच को लड़ाया वहाँ से मैच को लड़ाया जा सकता है तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि दोनों बल्लेबाज को दोस्तों यहाँ पर एंड तक खेलना पड़ेगा और अपनी टीम को दोस्तों कम से कम एक यहाँ पर सम्मान स्कोर तक पहुँचाना तो हर हाल में जरूरी होगा इसी के साथ में कलीन जन्नत तैयार हैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दो कलीन जन्नत के पहले ओवर में दस रन आए कॉर्टर ने यहाँ पर दो ओवर में दोस्तों तीन विकेट का साथ यहाँ पर जो कि सात रन दिए हैं और देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर पांचवें जो पांचवा ओवर लेकर आता है दोस्तों वो कौन सा गेंदबाज होगा दोस्तों अभी तक आप लोगों ने दोस्तों कोई हमसे सवाल नहीं पूछा दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों किसी से भी जुड़ा तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों हम पूछ सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के यहाँ पर बेहतरीन आप माफी चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि यहाँ के अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों के यहाँ पर जिम्बाबे के एक और यहाँ पर बेहतरीन पर गेंदबाज आ चुके हैं और उनका नाम है दोस्तों रिचर्ड नगारा और रिचर्ड नगारा दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिचिट नगारा यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाज है और इसी के साथ में यहाँ पर रिचिट नगारा दोस्तों पहली बॉल लेकर तैयार है सामना करा जाएगा योन मॉर्गन द्वारा योन मॉर्गन ऐसा लग रहा है कि थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जितने भी गेंदबाजों के सामने यहाँ पर काफी लंबे समय से योन मॉर्गन ने दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ा है कम से कम दो या ढाई साल होने जा रही है योन मॉर्गन को दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लेते हुए हम कह सकते हैं दोस्तों की यहाँ पर यून मॉर्गन को प्ले में आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है मगर इतना समय भी ना लग रहा जाए जो उनकी टीम है दोस्तों वो प्ले ऑफ से ही बाहर हो जाए तो आपको काफी लंबे समय से दोस्तों बाहर रहते हैं तो यहाँ पर कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि वो जल्द से जल्द वापसी करी जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों रन बनाए जाए इसी के साथ में यहाँ पर डेविंग फैारी अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है रिचित डारा की रिचिड डगारा राउंड द विकेट से आए हैं और दोस्तों रिचर्ड ने यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों गेंद को बाहर डाला है और डेविन फेरान ने क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल कॉली वाला शॉट के साथ यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया है और इसी के साथ इसी छक्के के साथ आपको बता दे कि यहाँ पर रिचर्ड नगारा के ऊपर पहला छक्का और यहाँ पर हराने किन्स का पहला छक्का आता हुआ दोस्तों बता दे कि पांचवे ओवर में पाँचवें ओवर में दोस्तों पहला छक्का देखने को मिला है वो भी टी टेन में है तो कह सकते हैं दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दोस्तों हमें देखे हैं दिखे हैं दोस्तों कप्तान कैसे आर्मी के बॉल और गेंदबाज और इसी के साथ में दोस्तों देखेंगे कि रिशिड नगारा दो बॉलों में सात रन दे चुके हैं डेविन फरानियो की यहाँ पर कोशिश यही रहेगी अगर मैं बात करता हूँ कि दोस्तों इनके ऊपर यहाँ पर दबाव बना सकते हैं और छः रन आज आत रन आ चुके हैं दो गेंदों में और यहाँ पर अगर डेविन फरारी लास्ट के दोस्तों यहाँ पर जो कि बचे हुए दस पाँच ओवर और खेल लेते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक अच्छा ओवर हमें देखने को मिल सकता है इसी के में नगारा अपनी ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार है विकेट से से दोस्तों क्या एक बड़ा शॉट फिर से हमें देखने को मिल सकता है यहां पर पर नगारा के ऊपर कोशिश है कि डेविन फरारियो की निगाह दोस्तों बिल्कुल गेंद पर यहाँ पर जमी हुई है कदमों का इस्तेमाल करा गया है डेविन फरारियों के द्वारा और सीधे बल्ले के साथ दोस्तों गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ आसानी से आसानी से दोस्तों दो रन चुरा लिए इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से इकतीस पर तीन विकेट के नुकसान पर और बारह बोलों में दोस्तों यहाँ पर इक्कीस रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर डेविन फिर उन्हीं के साथ दोस्तों अगर यून मॉर्गन की अगर मैं बात करता हूँ तो योर मॉर्गन भी चार गेंदों में दोस्तों तीन रन बनाकर खेल रहे हैं और कैप्टाउन के में दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से इस मैच को दोस्तों अंजाम दिया है और हरारी हेरी कैश तीन गेंदों में यहाँ पर इकतीस पर तीन विकेट के नुकसान पर काफी लंबे समय से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो तीन विकेट गिरे हैं हरारे हेरी केन्स के बहुत ही जल्दी यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर गिरे हैं और दो विकेट तो दोस्तों पहले ही ओवर में गिरे थे उसके बाद यहाँ पर जो के सेंडल, आपर आपर दूसरा ओवर लेकर और टीम का तीसरा ओवर था तो तीसरे ओवर में दोस्तों यहाँ पर जो के, के रूप में हमें विकेट देखने को मिला और इसी के साथ आपको बता दें कि इकतीस पर तीन विकेट के नुकसान पर और लगातार क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर कैप्टाउन के यहाँ पर गेंदबाज अगर चाहे वो रिचर्ड निगारा हो चाहे दोस्तों रहमान हो चाहे वो अगर बात कर लू कलीम जनत की चाहे वो सैडेल हो सबने यहाँ पर मिल कर पर बैटिंग गेंदबाजी करी है और गेंदबाजी का जो फायदा है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर हरारे के स्कोर बोर्ड पर इसी समय इस ओवर की पांचवी बॉल लेकर तैयार है ने पटकी हुई गेंद दोस्तों दिशाहीन गेंद देखने को मिली और इसी दिशाहीन गेंद के साथ एक और अतिरिक्त रन आता हुआ इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बत्तीस के नुकसान पर डेविन फैराज तेरह ओवर में इक्कीस रन बनाकर खेल खेल रहे हैं और इसी के साथ में अगर मैं बात करता तो यू मॉर्गन की तो यून मोर्गन चार बोलो तीन रन बनाकर खेल रहे हैं तो कोशिश रहेगी दोस्तों मॉर्गन की कि वो जल्द से जल्द अपनी लय में आए या फिर जब तक वो दोस्तों लय में आएंगे तब तक दस ओवर ना निकल जाए तो कई देर ना हो जाए तो हम पर कोशिश रहेगी दोस्तों पर गति के साथ रन बनाए जाए और इसी के एक रन के साथ टीम का स्कोर एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा तैतीस रन तीन विकेट के नुकसान पर और रिचिड नगारा पांच गेंदों में यहाँ पर ग्यारह रन दे चुके हैं पिछले ओवर में दस रन देखने को मिले थे अब और मॉर्गन को दोस्तों अगर हाथ खोलने होंगे अगर इस मैच को जीतना है अपनी जीत को पर एक यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत करनी होगी और यहाँ पर हरारे हेरी केन्स के लिए अभी भी यहाँ पर प्ले का जो रास्ता है दोस्तों वो यहाँ पर कठिन है यहाँ पर सरल नहीं कह सकते हैं तो कोशिश यही करेगी दोस्तों यहाँ पर हरारे हेरी केन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारेरी केन्स की टीम दोस्तों यहाँ पर अच्छी टीम है वो यहाँ पर जाने जाने की कोशिश करी जाएगी और इसी के साथ आपको बता दें कि रिचर्ड देंगारा राउंड विकेट से दोस्तों यहाँ पर बल्लेगा जो गेंद लेकर आए थे कदमों का इस्तेमाल करा गया था यून मॉर्गन के द्वारा और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर मॉर्गन एक बार फिर से दोस्तों अपनी टीम को मझदार में छोड़ते हुए गए और पांच ओवर के समीके साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तैतीस पर विकेट के नुकसान पर क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करी गई यहाँ पर रिचिड नगारा के द्वारा दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फॉलो कराता है करा था यहाँ पर युन मोर्गन को उसके बाद दोस्तों गेंद को के साथ यहाँ पर बाहर लेकर गए और यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों हमें गेंद देखने को मिली और यहाँ पर यून मॉर्गन के चार उखाने दो सौ तीनों डंडे यहाँ पर विखेट दिए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तैतीस बिगड़ा चार यहाँ पर तैतीस बिगड़ा चौथा विकेट यहाँ पर पांच ओवर की समाप्ति पर लास्ट के तीन यहाँ पर लास्ट के छह यहाँ पर जो कि तीस गन शेष बची है और यहाँ पर जो की छह विकेट हमें देखने को मिले हैं और इसी के यहाँ पर छह विकेट अभी बचे हैं तो कोशिश करते हैं दोस्तों छह विकेट वो नहीं है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों वो पाँच यहाँ पर छः नंबर तक ही बैटिंग है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज चालू हो जाएंगे और हर हेरी गेंद के इस तरह से गेंदबाज हैं दोस्तों उनके यहाँ पर वो गेंद है दोस्तों बल्ला भी नहीं लगा सकते हैं और अगर रिचर्ड नगारा तैयार है दोस्तों यहाँ पर पीटर हैड्स गुलू नए गेंदबाज आ चुके हैं दोस्तों डेविन फेराडियो के सामने गेंदबाजी करने के लिए और पीटर हैड्स गुल्लू की अगर बात करूँ अगर पीटर हैड्सगोलू की अगर मैं बात करता हूं तो पीटर हैड्सगोलू यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज तेज गति के साथ दोस्तों गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और दोस्तों इनकी स्पीड भी निकलती है पीटर हैड्सगोलू के और पीटर हैड्डोलू के, के सामने यहाँ पर डेविन फेरारियो और डेविन फेरारियो के साथ दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नवी एम्पायर जो की अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं पीटर द विकेट से तैयार हैं गेंद लाने के लिए के लिए और फैरारियर देखेंगे पहली बॉल को किस तरह से खेलेंगे यहाँ पर ने कदमों का इस्तेमाल करा आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा चौतीस पचास विकेट के नुकसान पर, पर मोहम्मद नवी के पास एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुके हैं पीटर हैड्स बोलू लगातार यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी पीटर हैड्स बोलू की वो तेज गति के साथ गेंदबाजी करेगा अगर यहाँ तो से एक और विकेट अगर मिल गया अगर मोहम्मद नवी का दोस्तों या किसी और का तो कह सकते हैं दोस्तों इस मैच यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों हरारे हेरी कैंस के लिए और इसी के साथ में यहाँ पर मोहम्मद नमी अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं पीटर हैड्सगुलू अपनी ओवर के दूसरी बॉल लेकर आते हुए और दूसरी बॉल पर दोस्तों एक और सिंगल देखने को मिला है लगातार दो गेंदों पर दो रन आ चुके हैं और दो रन के साथ में टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से छत्तीस पर चार विकेट के नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहाँ से बता दें कि यहाँ से जो चार गेंदें बची हैं पीटर हैड्सगुलू के इस ओवर की उसके बाद लास्ट की दो सौ कह सकते हैं लास्ट की चौबीस गेंदें और बची हैं तो देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है और छत्तीस प्रहुत का है टीम का खेमा मोहम्मद नबी दो बॉलों में दोस्तों एक रन बना खेल रहे हैं काफ़ी चाहूंगा एक बॉल में दोस्तों दो रन बनाकर खेल रहे हैं उसी के साथ में डेविन फेराडियो भी पंद्रह बॉल में तेईस रन बनाकर खेल रहे हैं पीटर हैड्सगोलू तीसरी बॉल लाने के लिए तैयार है मोहम्मद नवी सामना करेंगे दोस्तों मोहम्मद नबी ने यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा पटकी हुई गेंद थी दोस्तों वो एलिवेशन नहीं मिल पाया और दोस्तों गेंद गई स्कॉल लेकर जिसमें आसानी से एक और रन देखने को मिला और इसी रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर सैंतीस पचास पर विकेट के नुकसान पर और लगातार यहाँ पर दबाव जो है दबाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं हरारे हेरी कैंस के बल्लेबाज और यहाँ पर फिर से दोस्तों चौथी बॉल खेलने के लिए तैयार हैं डेविन फैरारियों ने पटकी हुई गेंद को पटका और आसानी से दोस्तों डॉट गेंदी लगातार यहाँ पर रन नहीं आ रहे हैं और रन के साथ साथ यहाँ पर विकेट भी दोस्तों बिल्कुल ताश के पत्तों जैसे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं तो कोशिश ये कर सकते हैं दोस्तों डेविन फेरारी और उनके साथ ही यहाँ पर जो कि वेस्ट इंड यहाँ पर जो कि अफगानिस्तान के बेहतरीन यहाँ पर ऑलराउंडर रह चुके हैं मोहम्मद नवी कोशिश ये कर सकते हैं दोस्तों की यहाँ पर एक साझेदारी बुनी जाए उसके बाद यहाँ पर तीज गति के साथ रन भी बनाए जा सकते हैं और इसी में यहाँ पर जो कि पाँचवीं ओवर की पाँचवीं बॉल लेकर तैयार हैं पीटर हैड्स गोलू ने और यहाँ पर डेविन फरारियो ने दोस्तों अकेले ही अकेले ही दोस्तों इस इस टीम का इस का दोस्तों रनों का जो जिम्मा है अपने ऊपर उठा रखा है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों इस ओवर में पर जो कि दूसरा पहला चौका में देखने को मिला है पीटर हैड्स गोलू के ऊपर से और इससे पहले जो यहाँ पर डेविन फरारियो ने छक्का लगाया था और डेविन फरारियो ने यहाँ पर जो कि कलीम जन्नत के ऊपर लगाया था और ये चौका पीटर हैड्स गोलू के ऊपर तो कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि इस मैच को बेहतर करा जा सकता है और इसी क्रम में कर्म हरारे अपनी आखिरी बॉल अच्छा। लेकर आते हुए उसी साथ दोस्तों आखिरी बॉल पर दो रन देखने को मिले और दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा छह ओवर की समाप्ति पर रन विकेट के नुकसान पर डेविन फरार्यू के पास दोस्तों स्ट्राइक रहेगी और देखेंगे कि डेविन फरारू किस तरह से खेलेंगे डेविन फरारियो 18 बॉलों में दोस्तों उन्तीस रन बनाकर खेल रहे हैं और उसी के साथ में मोहम्मद नवी की अगर मैं बात करता हूं तो मोहम्मद नवी भी दोस्तों दो बॉलों में तीन रन बनाकर खेल रहे हैं पीटर हेड्स पहले पीटर हेड्स गोलू अपने पहले ओवर में दस रन दे चुके थे अब देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करी गई है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जो की कप्टाउन के जो गेंदबाजों के द्वारा लगातार दोस्तों जितने भी गेंदबाजों का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया पार्थिव पटेल के द्वारा क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझा है और दोस्तों टीम मैट के साथ यहाँ पर बॉलिंग करी है तीन विकेट यहाँ पर सेंडल कॉटरेल ने दोस्तों और एक विकेट दोस्तों हमें देखने को मिलेगा अगर आपको बता दो कलीम जनर के ऊपर और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर विकेट देखने को मिला और यहाँ पर बता दें आपको छ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर यहाँ पर तैंतालीस रन चार विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर कप्टान की टीम ने टॉस जीते यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो निर्णय लिया तब दोस्तों अब वो निर्णय यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होता हुआ और इसी के साथ छः ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर तैंतालीस पर चार विकेट के नुकसान पर डेविन फैलाडी आठ अठारह बॉलों में उनतीस रन बना के खेल रहे हैं यहाँ पर वो भी इकसठ के स्ट्राइक रेट से अगर मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद नबी भी दोस्तों, दोस्तों दो बॉलों में दो तो बॉलों में दोस्तों तीन रन बनाकर खेल रहे हैं पीटर हैड कुलू ने पहले ओवर में दस रन दिए थे अब यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करनी है अगर दोस्तों इस मैच को यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबे अंतर से यहाँ पर जीतना है अगर यहाँ पर कप्टान की टीम को तो कोशिश कर सकते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि कैप्टान्स के गेंदबाजों की कोशिश रहे ये रहेगी कप्तान की मंखा ये रहेगी कि यहाँ पर जो हरारे हैरी के यहाँ पर जो गेंदबाज हैं दोस्तों वो यहाँ पर हरारे हैरी को दस साठ साठ रनों के पार ना पहुँचाने दें दस ओवर में और देखेंगे कि दस ओवर में क्या है दोस्तों टीम यहाँ पर हरारे हेरी कैंस का दस रन पार कर जाएगी यहाँ पर साठ रन पारी कर जाएगी अगर यहाँ पर साठ रन पार कर गए दोस्तों तो यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर पैदा हो सकती है दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ और इसी के साथ दोस्तों बता उतारे कि टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर जो कि तेरें चालीस तो पर चार विकेट के नुकसान पर हरारे हेरी कैंस के यहाँ पर जो के मालिक हैं दोस्तों वहाँ पर इस मैच का लुप्त लेते हुए और इसी के साथ में पीटर है यहाँ पर जो कि तैयार हैं पहली गॉल लेकर और पहली बॉल पर दोस्तों एक रन देखने को मिला है और सीख में यहाँ पर एक रन और देखने रिचिड नगारा अपना दूसरा बॉल लेकर आए हैं और रिचिड नगारा ने, ने दोस्तों बता दें कि पर गेंद को थोड़ा सा सीम के साथ दोस्तों गेंद को बाहर निकाला था और उसी गेंद के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बल्ले का साइड एज लगी गेन गई पर थर्डमैन की तरफ आसानी से एक रन देखने को मिला और उसी एक रन के चलते टीम का स्कोर दोस्तों यहाँ मतलब पर ट्रिपल फोर मतलब चौवालीस पचास विकेट के नुकसान पर डेविन फराडियो के पास स्ट्राइक आ चुके है और डेविन फराडियो अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है दोस्तों डेविन फेराडियो ने गेंद को उठा के गेंद को खेला है दोस्तों गेंद जारी है मिलोन की तरफ और लौंग का खिलाड़ी दोस्तों तो पीछे तैनात है मगर यहाँ पर कोशिश तो करी गई थी लॉन्ग के खिलाड़ी के द्वारा मगर यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया गया है डेविन फराडियो के द्वारा और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा पचास पचास विकेट के नुकसान पर रिचर्ड नगारा यहाँ पर अब जो कि अठारह रन बनाकर खेल रहे हैं विकेट भी लिया है दोस्तों तो रिचर्ड नगारा ने बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी पर गेंदबाजी करते हुए अगर मैं बात करूँ दोस्तों हरारी हेरिक यहाँ पर डेवन फराडियो अगर मोहम्मद नबी को भी दोस्तों उनका साथ निभाना तो अगर मोहम्मद नबी भी दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर जो की एक सौ तैतीस के स्ट्राइक रेट से खेलते रहेंगे तो ऐसा लग सकता है दोस्तों कि वो धीमे साबित हो जाएंगे मगर आपको तेज गति के साथ रन बनाना है तभी दोस्तों ये मैच यहाँ पर जीत पाएगी हरारे हेरी अगर हरारेरी हरारेरी के गेंदबाजों ने अगर अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी और यहाँ पर अगर कैप्टाउन का यहाँ पर जो कि टॉप ऑर्डर था दोस्तों उसको अगर बिल्कुल यहाँ पर कर दिया तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस मैच में वापसी हो सकती है और लगातार क्या बेहतरीन दो छक्के देखने को मिले हैं के ऊपर भाई बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर रिचर्ड नगारा का थोड़ा सा जो दिन है वो यहाँ पर खास से अच्छे नहीं चल रहे हैं और यहाँ पर रिजट नगारा लगातार दोस्तों में डॉट गेंद को यहाँ पर देखते हुए मिले हैं और इसी सिक्स में टीम का स्कोर हो चुका है छप्पन पचास विकेट के नुकसान पर और डेविन फेरारियो की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों डेविन फेरारियो बीस बोलो में दोस्तों यहाँ पर जो कि इकतालीस रन बनाकर खेल रहे हैं मोहम्मद अबी तीन बॉलों में दोस्तों सौ चार रन बनाकर खेल रहे हैं और रिचर्ड नगारा रिचर्ड नंगारा तैयार है दोस्तों यहाँ पर जो कि तीन गेने करी हैं तीन गेनों में हमें देखने को मिले हैं ऐसा अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी दोस्तों बट टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा छप्पन पर इसी के है यहाँ पर इस ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार है डेविन के सामने दोस्तों स्ट्राइक है और देखेंगे कि डेविन ने आसानी से एक और रन देखा लगातार दोस्तों बता दें की यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंद गेंदबाजी को इस्तेमाल करा जा रहा है और इसी के साथ दोस्तों बता दें की टीम का स्कोर हो जाएगा सत्तावन पर सत्तावन पर चार विकेट के नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहाँ से दो गेंद शेष बची है मतलब यहाँ से जो कि बीस गेंदें बची हैं और बीस गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं अगर बीस गेंदों में 240 चालीस से पचास रन वगैरह बन जाते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों की एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम का खेमा पहुंच जाएगा और आपको दोस्तों इस मैच में लड़ाई हो सकती है अगर देखा जाए दोस्तों दोनों प्लेयर के यहाँ पर के बीच एक टीम दोस्तों यहाँ पर जीतने के लिए यहाँ पर बेताब है दोस्तों दूसरी टीम भी यहाँ पर जीतने के लिए तैयार है और इसी साल में मोहम्मद नबी ने दोस्तों हाथ खोले हैं मोहम्मद नबी के दोस्तों वहाँ पर सही तरीके से बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ और गेंद जारी है दोस्तों हवा में यहाँ पर स्कॉट लेकर खिलाड़ी दोस्तों गेंद के नीचे आता हुआ और इसी के साथ में मोहम्मद नबी की गेंद को इस बार पकड़ लेगा यहाँ पर दो क्रिस फाइनल लेकर यहाँ पर खिलाड़ी और आपको बता दें कि चार गेंदों में चार रन बना के यहाँ पर आउट होते हुए और क्या बेहतरीन तरीके से डेविन फरा ने दोस्तों क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा और उसी के साथ दोस्तों हमें देखने को मिला है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पाँच जो कि बता दें कि पांच विकेट हो चुके हैं सत्तावन के एक्स्ट्रा यहाँ पर सत्तावन के रन के और आप अगर मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कैप्टान की जो टीम है वो तो कप्तान की टीम दोस्तों लगातार यहाँ पर इस मैच को दोस्तों दूर रखना होगा अगर इस मैच को दोस्तों ले अगर बाहर चली गई तो यहाँ पर वापसी बहुत दोस्तों यहाँ पर दोनों लोगों की जो यहाँ तो पर नौकरी है पी से बहुत निकल जाएगी और इसी के में मैंने चिन्ह रहा तैयार है दोस्तों अब देखेंगे कि दोस्तों आखिरी बॉल को किस तरह से करते हैं लेकिन नगारा के पास दोस्तों स्ट्राइक है और देखना जाएगा दोस्तों

होनी सकता से तक लगा से, से आपने से लगा से

से, से हमारा से सो भी So, huh? so we had yeah. it